नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 3 फरवरी 2019 की और पूरी आंसर की 150 प्रश्नों की आंसर की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, सही युग्म का सुमेलित करना है हमें, और यहाँ पर ये राजस्थान जीके का पोर्शन स्टार्ट है। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पहला ऑप्शन, जिसमें जसनाथ जी हैं कत्रिया सर बीकानेर, शीतला माता चाकसू, जाम्बो जी मुकाम तलवा और जीण माता रेवासा सीकर। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पाँच को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके सामने है जिसका आंसर होगा नाथद्वारा। तीसरा प्रश्न, संत पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, और ये बिल्कुल सही आंसर की है। अब इसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है। तो यहाँ पर है करणी माता देशनोक, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा हरिभाव उपाध्याय। अगला प्रश्न, निम्न में से कोटा में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था। तो यहाँ पर होगा जयदयाल, बिल्कुल सही उत्तर। अब इस आंसर की में किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, वीर सतसई राम रंजाट के लेखक कौन हैं। तो सूर्यमल मिश्रण, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। तो यहाँ पर होगा कोठारी, बिल्कुल सही आंसर, कोठारी नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, मैनाल में सुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था। तो ये होगा पृथ्वीराज द्वितीय, जो कि है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। तो यहाँ पर होगा घटियाला अभिलेख। पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 11, निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो यहाँ पर रणथंभौर के राव सुरजनहाड़ा। हवा महल की पहली मंजिल को क्या कहते हैं, रत्न महल। अगला प्रश्न, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था। तो ये 1893 होगा दूसरा ऑप्शन। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो रामनारायण चौधरी पहला ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो गुरु गोविंद गिरी। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के विलीनीकरण, इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले आपको नहीं बताया था, तो धौलपुर इसका सही उत्तर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, मई 1947 में कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के लिए दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई, वह किस जिले से थी। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, डूंगरपुर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी। तो इसका उत्तर हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको गलत बताया था, तो रमा देवी पांडे यहाँ पर सही आंसर होगा। 19, किस राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो चौमुहागढ़, ये बिल्कुल सही होगा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा में। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे। तो पीपाजी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोक देवता गोगाजी के दान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे, तो खेजड़ी सही उत्तर होगा। कुदरत सिंह मीनाकारी कला। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस शैली के चित्रकार हैं, तो इससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा जयपुर, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देख, दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढाड़ी में इनकी रचनाएं थी। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार इसमें होगा 38.11। उसके बाद शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र 12 में है, ए ऑप्शन। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है, तो बांस यहाँ पर सही उत्तर होगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। नाइट्रेट बिल्कुल सही होगा, इसी तरह से इसमें होगा 61.40%। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेड्रेरियस। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता कौन सी जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 में होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, उसके बाद सोम कमला तो ये है डूंगरपुर, उसके बाद यहाँ पर हनुमानगढ़ व चुरू जिलों के लिए जल का स्रोत है तो यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखिए चौधरी कुंभाराम लिप नहर सी ऑप्शन। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान के अजमेर और बीकानेर को जोड़ता है तो ये होगा NH-89। और राजस्थान का भारत में पहला स्थान है किस किस खनिज के उत्पादन में तो यहाँ पर होगा फेल्सपार, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर ये नदियों से संबंधित ये प्रश्न दिया गया है और जिसमें पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर डूंगरपुर, बाणगंगा, मोरेल। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए आएगा तो AW प्रकार का होता है। राजस्थान में किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है जिसमें तो जैसलमेर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है तो एरिडी सोल और एंटी सोल्स, बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या है तो यहाँ पर होगी 24। कामधेनु नदी के नाम से चंबल को जाना जाता है, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान में गन्ने के लिए सर्वाधिक उत्पादक है तो बूंदी यहाँ पर सही होगा। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है तो हिंदुमल कोट से बाखासर बाड़मेर तक। और यहाँ पर देशांतरी विस्तार पूछा है क्वेश्चन नंबर 46 में तो 69-30 से 78-17 पूर्वी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। शेर चोटी जो कि है 1597 मीटर। इसका अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है तो यहाँ पर होगा जालोर। अगला प्रश्न फूलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 50 तो यहाँ पर होगा घग्गर मृत नदी, यहाँ पर सही आंसर होगा नागपानी अरावली दर्रा। घग्गर जो कि नदी है और नागपानी एक चोटी है तो सी ऑप्शन सही होगा 50 में। 51 में आप देखिए प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें होगा अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 52 कनाडा वाल्सन एक माउंटिंग एजेंट को स्थाई के लिए प्रयोग किया जाता है, यह एक जाति से प्राप्त होता है तो सीड्स, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भूस्तरी होता है तो यहाँ पर भूमिगत स्तंभ सही आंसर होगा। रोजी क्या है, एक ट्रांसजेनिक गाय है। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है तो ये होगा एरिल। गेहूं में 100 पराकण प्राप्त करने के लिए कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर होगा 25। पूर्ण शक्तता शब्द किसने प्रतिपादित किया है तो यहाँ पर है मॉर्गन, सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न साधारणतः मुसला मूल पाई जाती है तो ये द्विबीजपत्री होगा। इसमें रोडोफाइसी का संचित उत्पाद कौन सा है तो यहाँ पर रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, सी ऑप्शन। उसके बाद अगला है पामेला अवस्था पाई जाती है तो पहला ऑप्शन होगा इसमें सही आंसर क्लेमाइडोमोनोज। सेब नाशपति का खाने योग्य भाग कौन सा है तो होगा पुष्पाशन। क्वेश्चन नंबर 62 जैविक विविधताओं का सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था तो ये रियो डी जेनोरिया 1992 में ब्राजील में हुआ था। उसके बाद 63 आप देखिए यहाँ पर चाय का लाल किट्टू रोग किसके द्वारा होता है तो ये होता है हरे शैवाल के द्वारा। ज्वार के फल को कहते हैं तो कैरियोप्सिस। अगला प्रश्न शब्द बायोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था तो ये कार्ल मोबियस ने। उसके बाद अगला जिब्बेरिलिन को पृथक किया जाता है तो ये किया जाता है कवक से। अगला प्रश्न 67 उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है तो डेंडोग्राम, बिल्कुल सही उत्तर होगा। मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है तो यहाँ पर होगा HCG।
सी ऑप्शन आप देख लीजिए, बिल्कुल सही उत्तर। 69 तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनर्द्रवण की क्रिया में होता है, तो यहाँ पर K प्लस आयनों का अंतर प्रवाह, तो ये होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन, मस्तिष्क के दो दृक्पालियाँ उपस्थित। 71 पे चलते हैं, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि 71 देखिए, विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो आधारिकीय कला के द्वारा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 72, रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है तो निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 73 आप देखिए, प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है, तो यहाँ पर होगा आरआरएनए, और यहाँ मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात है, तो यहाँ पर होगा 9331 का रेशो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 आप देखिए, यहाँ पर हमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसका हमें यहाँ पर उत्तर बताना है, तो यहाँ पर होगा टर्नल सिंड्रोम ट्राइसोमी 21। अगला प्रश्न आप देखिए 76, निम्न से कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है, तो वहल, कबूतर, चमगादड़। उसके बाद 77 आप देखिए, यहाँ पर है संघ के नामयुक्त सूची में संरचनायुक्त सूची 2 से मेल करें, तो यहाँ पर 77 का जो आंसर होगा उसी पर हम चलते हैं। इसमें इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा डाउटफुल इसका आंसर है, तो जिनको भी पता है कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न 78, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, तो लाइपेस। अगला प्रश्न 79, सुमेलित नहीं है तो त्रिकपर्दी कपाट, मिट्रल कपाट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80, एंट्रोजन का स्त्रावण करती है, तो यहाँ पर होगा लेडिंग कोशिकाएं, बी ऑप्शन। 81, मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, तो यहाँ पर है टाइफाइड, प्लेग, मलेरिया, सॉरी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा टाइफाइड, प्लेग और टाइफस। अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 82, समझात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए, तो मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख, पहला ऑप्शन। संघ एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है, तो यहाँ पर होगा नियो पिलाइना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, मूंगा सिल्क किस कीट से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर मूंगा सिल्क होता है एंथीरिया असामा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिए, यंग के एक द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm है, तो इसके सही उत्तर पर हम चलते हैं, तो 1.75 mm, डी ऑप्शन। बूस्टर का नियम है, तो यहाँ पर इसका उत्तर आप देख लीजिए 86, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एकल छिद्र फ्रान होकर विवर्तन में यदि छिद्र की लंबाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नस्थित होगी, यहाँ पर आप देखिए 87 में है दूर होंगे, बी ऑप्शन। 88 में आप देखिए, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंग देरी होगी, तो यहाँ पर तरंग देरी होगी, तो यहाँ पर तरंग देरी होगी, पहला ऑप्शन 6557 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की तुलना में 4 गुना होती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखिए, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहले उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी, तो यहाँ पर होगा सी ऑप्शन 10.2 EV, तीसरा ऑप्शन। 91 आप देखिए, 91, ड्यूटीरियम नाभिक की बंधन, तो इसमें होगा उत्तर पर हम चलते हैं 2.23, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बीटा रेडियन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है नाभिक, सी ऑप्शन आप देखिए, नाभिक में न्यूट्रॉन के शेष, तीसरा ऑप्शन। 93 यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए, किसी कण के टक्कर दी जाती है तो 2 अल्फा कण उत्पन्न होते हैं, तो टकराने वाला कण है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 में होगा प्रोटॉन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिए 94 में एक अर्ध तरंग दिष्टकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है, तो उसके रिपल की मुख्य आवृत्ति होगी, तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा।
95 में आप देखिए, 95 परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर 95 में तो होगा आदर्श अचालक। क्वेश्चन नंबर 96 दिए गए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है, तो यहाँ पर होगा और गेट पहला ऑप्शन। 97 दरवाजों में हैंडल दरवाजों के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं, इसका क्या रीज़न है? तो पहला ऑप्शन आप देखिए, दरवाजों को अपनी आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए कि जिसमें एक कण का द्रव्यमान ये है, तो यदि प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूरी से खिसकाना पड़ेगा? तो यहाँ पर 98 में होगा पहला ऑप्शन डी। 99 पर बढ़ते हैं, एक वृत्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या 0.5 मीटर एवं द्रव्यमान 25 किग्रा है अपनी दूरी पर 120 चक्कर मिनट की रफ्तार से घूर्णन करती है, तो चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 में होगा दूसरा ऑप्शन 3.125। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 किसी गैस के दो नमूने ए और बी में प्रारंभ एक ही तापक्रम दाब पर हैं, तो इसके आंसर पर हम चलते हैं तो बी से कम, सी ऑप्शन। 101 जब किसी गैस पर, क्वेश्चन नंबर 101 में सही उत्तर होगा 110J। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 102 एक आदर्श उष्मा इंजन में कार्बोनेट प्रकम, इसके आंसर पर चलते हैं तो 2000 जूल इसका सही आंसर होगा। 103 दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय उष्मा इंजन की दक्षताएं, 103 का सही आंसर होगा बराबर होती है पहला ऑप्शन। 104 क्वेश्चन नंबर सरल आवर्ती गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा समान होती है, तो यहाँ पर आप देखिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 105 एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम एवं अधिकतम ऊंचाई क्रमशः दी गई है, तो 1 से 5 के उत्तर पर चलते हैं तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन। 106 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5 किग्रा का गट्टा एक स्प्रिंग जिस पर स्प्रिंग नियतांक, तो इसके उत्तर पर हम चलते हैं 106 क्वेश्चन का उत्तर होगा डी ऑप्शन 0.628। अगला क्वेश्चन 107 आप देखिए, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग गैस के परम ताप के मध्य सही संबंध दर्शाता है, तो यहाँ पर 107 में होगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला 108 देखिए, एक ध्वनि का वेग जब एक स्थिर प्रेषक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, तो यहाँ पर होगा 165 ms^-1। अगला 109 आप देखिए, 109 में होगा दूसरा ऑप्शन, दो अनुपात एक तीसरा ऑप्शन। 110 पर हम बढ़ते हैं, एक आवेश क्यों एक धन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, 110 में होगा दूसरा ऑप्शन। 111 आप देखिए, तीन आवेश दिए गए हैं, इसके डायरेक्ट उत्तर पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, तो -q पहला ऑप्शन। 112 का क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक आवेश तेल की बूंद, इसके उत्तर पर हम चलते हैं पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बीच के प्रभावी प्रतिरोध, तो यहाँ पर प्रतिरोध होगा दूसरा ऑप्शन 10 ओम। 114 पे हम चलते हैं, एक विभव मापी तार को एक सतत वोल्टेज, क्वेश्चन नंबर 114 इसका आंसर होगा 600 सेमी। क्वेश्चन नंबर 115 पे, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभव मापी तार के रूप में कर सकते हैं, सही विकल्प को चुनो, 115 में सही उत्तर होगा, सीधे उत्तर पर हम चलते हैं तीसरे उत्तर पर, नहीं, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। 116 पर हम चलते हैं, विभव मापी वोल्ट मीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नापता है, क्योंकि इसका तार उच्च प्रतिरोध का होता है, दूसरा ऑप्शन। 117 पर आगे देखिए, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एक वर्णी स्रोत, तो यहाँ पर बढ़ जाएगी पहला ऑप्शन। 118 बोयल के नियम का सही निरूपण है, 118 क्वेश्चन आप देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 119 गैसों के क्षैतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, अणुओं के मध्य टक्कर होने से। अगला प्रश्न 120
पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। 121 द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं श्यानता। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति होती है, इसका क्या कारण है? 122 तो यहाँ पर है पृष्ठ तनाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, कमरे के ताप पर सोडियम, तो 123 में इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं 124 और 125। 124 का उत्तर आप देखिए, किसी तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय ध्यान में उपस्थिति होती है, तो फ्रैंकल त्रुटि दोष। 125 सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या है, तो यहाँ पर होगा 6। 126 निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, तो यहाँ 126 के उत्तर पर हम चलते हैं। 126 में सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, विलय का आयनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, एक मोल NaCl के 1000 ग्राम जलयुक्त विलयन में मोल भिन्न है, तो यहाँ पर होगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, राउल्ट के नियमानुसार एक विलयन के वायुदाब में 128, यहाँ विलय के मोल भिन्न के डी ऑप्शन। 129 250 ml, 129 क्वेश्चन आप देख लीजिए, सही उत्तर पर हम चलते हैं 1 ग्राम। 130 हाइपोक्लोरस अम्ल, यहाँ पर इसके उत्तर पर हम चलते हैं 130, इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते क्रम हुए अम्लीय सामर्थ्य के रूप में व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पर होगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। 132 निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनाद संरचना के संबंध में हमें बताना है, तो इनमें समान आबंधन होते हैं, डी ऑप्शन। 133 एथेन के संतरित संरूपण के विषय में सही कथन चुने, तो यहाँ पर होगा ग्रस्त संरूपण से ज़्यादा स्थायी होते हैं, बी ऑप्शन। 134 आप देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें, क्वेश्चन नंबर 134, तो इसमें होगा पहला ऑप्शन। 135 योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और इथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है, क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। 136 तत्व दिए गए हैं, परमाणु आकार का सही क्रम होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? 137 मुख्य क्वांटम संख्या। 138 पे आते हैं, उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है, तो यहाँ पर होगा दूसरा ऑप्शन। 139 क्वेश्चन नंबर, निम्न तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है, तत्व दिए गए हैं, क्रम पूछा गया है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 140 लैंग्वेज आप देख लीजिए, P4 में से PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों, तो यहाँ पर इसके आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, जिसको पता है कमेंट करके आप बताएं। 141 अंतर हेलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 142 मानव शरीर में जैविक क्रिया है तो कौन सा पंप महत्वपूर्ण है, यहाँ पर होगा NAK पंप, तीसरा ऑप्शन। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, तो इसमें होगा दूसरा ऑप्शन, आधा। 144 BF3 की अम्लीयता निम्न में से, लुईस अवधारणा पर दूसरा ऑप्शन। 145 जल में अम्ल की कुछ मात्रा मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, सी ऑप्शन। 146 एक लीटर बफर विलयन में, सीधे उत्तर पर हम चलते हैं 10। यदि किसी विलयन का pH 5.2 है, तो आंसर होगा 8.8, डी ऑप्शन। 148 निम्न में से कौन सा विलयन बफर के रूप में कार्य करता है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, 149 में होगा प्रत्येक गैस के आंशिक दाब का योग। और अंतिम प्रश्न है आदर्श गैस के समानीकरण, तो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो 150 प्रश्नों से आंसर की से संबंधित पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।